रीवा का रजिस्ट्रार कार्यालय भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। ये अभी हाल में ही देखने को मिला जब रजिस्ट्रार कार्यालय का स्टेनो रिश्वत लेते पकड़ा गया। हालांकि जिला रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते लगातार कारनामे उजागर हो रहे हैं। अपनी मनमानी कार्यप्रणाली के चलते सुर्खियों में रहने वाले रजिस्ट्री कार्यालय में मंगलवार को एक बार फिर बवाल मच गया, जहां पर शिकायत लेकर पहुंचे कुछ लोगों ने कार्यालय के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनकी पैतृक भूमि पर वर्षों से विवाद चल रहा था, जिसको संबंधित व्यक्तियों के द्वारा हाल में ही बेच दिया गया। इसकी जानकारी मिलने पर आपत्ति दर्ज कराई थी और कोर्ट के द्वारा स्थगन भी साथ में सौंपा था। इसके बावजूद 6 मार्च को रजिस्ट्री करा दी गई, जिसकी जानकारी लगने पर लोग कलेक्ट्रेट परिसर में रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे और शोर शराबा मचाया। कार्यालय के अधिकारियों पर नियम विरुद्ध कार्य करने के आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरे पक्ष से रुपए लेकर नियम के विपरीत कार्य किया जा रहा है। पीड़ितों ने बताया कि शहर के नजदीक हुजूर तहसील के ग्राम करैया नंबर 1 में जय कुमार विश्वकर्मा ने रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम के बारे में अवगत कराया था। हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए स्थगन के साथ ही पूरे मामले में आपत्ति सौंपी थी, इसके बावजूद लेन देन कर उनकी जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। आपको बता दें कि रिश्वतखोरी के चलते रजिस्ट्रार कार्यालय अक्सर सुर्खियों में रहता है। कुछ दिन पहले ही एक कर्मचारी को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि ये रिश्वत की रकम कर्मचारी ने अधिकारी के नाम पर भी ली थी। जब तक जांच जिला पंजीयक एवं अधिकारियों को क्लीन चिट नहीं मिलती, तब तक ये कार्यालय आरोपों के घेरे में रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ितों और अधिकारियों ने क्या कहा है। क्या नाम आपका? शंकर सुमन विश्वकर्मा। यहाँ आपने रजिस्ट्री करवाने के लिए, रजिस्ट्री न होने के लिए एक रसीद कटवाई थी जिसमें आपत्ति लगाई थी जी, और न्यायालय से स्थगन दिया। रजिस्ट्री कैसे हो गई, क्या मामला क्या है? जी सर, मेरी जो आपत्ति जो है तो लगी है जय कुमार विश्वकर्मा के नाम से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का लगा हुआ है, मतलब सिविल और हाई कोर्ट का। और 6 तारीख को हमें पता चला कि यहाँ रजिस्ट्री हो रही है, हमारी वो पैतृक जमीन है। पैतृक न्यायालय का स्टे के साथ आपने रसीद? जी जी, वो ये कॉपी जो हमने यहाँ लगाया है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। और जब हम उस दिन 6 तारीख को आए, इनको दिखाए, साथ में मैं पेपर लिया था, तो ये हमको गाली दे के वहाँ से भगा दिए। बोले कि ये हम सब हमारा देखा हुआ है पेपर, तुम हमको पेपर ऊपर मत दिखाओ। संडे का दिन था, कोई वकील हमको मिल नहीं रहा था कि हम किसी वकील के साथ ये पेपर लेके आए। संडे का दिन हुई है रजिस्ट्री। किसने गाली दी थी आपको? सामने बैठे हैं रजिस्ट्रार साहब, बोले चलो भागो यहाँ से, यहाँ ये हमारी सब देखी हुई है। चूंकि जो रजिस्ट्री करने वाले हैं और कराने वाले हैं, भाई कराने वाले राम कृपाल द्विवेदी हो गए, और कराने वाले यहाँ के जज मजिस्ट्रेट अपने आप को स्वयं मानते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ जज हैं यहाँ अमरवाड़ा में, और पुलिस वाले हैं कटनी में, पुलिस में हैं अनिल कुमार विश्वकर्मा और लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा। साला वो बोलते हैं कि ये जो है तो हमारा पूरा सिस्टम है, हमको कोई हटा नहीं सकता, पूरा प्रशासन हमारा। आपका कहना है कि न्यायालय के इच्छे के बावजूद यहाँ? हाँ, वो न्यायालय मानते ही नहीं है, वो बोलते हैं न्यायालय हमारा है, तुम जाके जहाँ करना हो करते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी 7.5 एकड़ का मामला है। इसके बाद क्या मतलब आप क्या हो सकता है, आप कहाँ जाएंगे आप? अब हम अब फिर से दोबारा न्याय की अपील करने जा रहे हैं। रजिस्ट्री राम कृपाल द्विवेदी जी द्वारा करवाई गई है, ये हमारा मुकदमा चल रहा था राम कृपाल द्विवेदी और श्रवण कुमार वगैरह के नाम से, जो कि हमारी पैतृक जमीन थी, अदला बदली की जमीन थी, और ये नाती हैं श्रवण कुमार के, ये इनके द्वारा लिखित आवेदन दिया जा चुका है पहले से कि भाई रजिस्ट्री न की जाए। सुप्रीम कोर्ट सिविल का स्टे लगा हुआ है इस कॉपी में, सुप्रीम कोर्ट सिविल का स्टे पहले से लगा है, हाई कोर्ट का 6 तारीख को हमने एक और जो है तो ऋषि हल्का सा दूर रखा जी। सर ये एक रजिस्ट्री हुई है जिसमें आपत्ति लगाई गई थी, उसकी रसीद भी करवाई गई थी फरियादी के द्वारा जी, और हाई कोर्ट से उसका स्टे भी है, कैसे रजिस्ट्री हुई? आपत्ति का और हाई कोर्ट माननी हाई कोर्ट के स्टे का दोनों का अवलोकन किया था, पंजीयन अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की है, बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। नहीं स्टे तो माननीय कोर्ट देता है, स्टे हम थोड़ी देते हैं, जो भी पेपर मेरे सामने पेश किए गए हैं उनका मैंने अवलोकन किया है, विधि अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो की है। स्टे के साथ आपके साथ आपत्ति लगाई गई थी? हाँ हाँ, मैं आपत्ति कह तो रहा हूँ ना, जो आपत्ति लगाई गई थी उसका अवलोकन किया है। मैं कब कह रहा हूँ बिना देखे गलत स्टे दिया? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि माननीय न्यायालय ने गलत दृष्टि दिया था।
माननीय न्यायालय ने जिनको स्टे दिया था, जिस मामले में स्टे दिया था, जो भी उसमें बात थी, माननीय न्यायालय अगर कोई मेरे से पूछताछ होगी तो मैं जवाब दूंगा माननीय न्यायालय में, ठीक है कि नहीं। जो आपत्ति पेश की गई थी उसका भी मैंने अवलोकन किया है, जो रजिस्ट्री पेश हुई है उसका भी अवलोकन किया है। पंजीयन अधिनियम के अनुसार, कानून के अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उस मुताबिक मैंने रजिस्ट्री की, क्या दिक्कत है इसमें? सही किया, बिल्कुल सही किया है मैंने अपने हिसाब से, बिल्कुल सही किया। अनिल कुमार गोयल, सीनियर सब रजिस्ट्रार।